भाई आज की ये वीडियो आपके लिए काफी शानदार होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आज हम बात करने वाले हैं 20,000 की कीमत के अंदर के टॉप 3 दमदार स्मार्टफोन्स की। यार आज के समय में अधिकतर काम ऑनलाइन हो रहे हैं और ऑनलाइन वर्क के लिए एक अच्छा और दमदार स्मार्टफोन होना बहुत जरूरी है, तो इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आ चुका हूँ। अगर आपको एक पावरफुल नॉन चाइनीज स्मार्टफोन चाहिए तो वो भी इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं। आज जो हम आपको अंडर 20,000 टॉप 3 बेस्ट स्मार्टफोन बताएंगे, उनमें आपको 8GB रैम, 6000mAh की बिग बैटरी, सुपर एमोलेड डिस्प्ले एंड पावरफुल प्रोसेसर मिलेगा। और इन स्मार्टफोन्स में आप ऑनलाइन वर्क से लेकर हाई लेवल तक की गेमिंग इजीली कर सकेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। स्टार्ट करते हैं एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन से। तो हमारी इस लिस्ट में नंबर 3 पर आता है सैमसंग की तरफ से सैमसंग का लेटेस्ट स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी M31S। भाई अगर आपको एक बिग डिस्प्ले, बिग बैटरी एंड एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन चाहिए तो ये स्मार्टफोन आपके लिए अंडर 20,000 एक बेस्ट डील के रूप में होने वाला है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसी स्मार्टफोन के स्पेक्स के बारे में कि क्या कुछ आपको इस स्मार्टफोन में मिलने वाला है। स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले से। इसमें आपको 6.5 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, जो काफ़ी बड़ी डिस्प्ले है और काफ़ी स्मूथ डिस्प्ले एक्सपीरियंस ये स्मार्टफोन आपको देने वाला है। एंड वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले अंडर 20,000 इस स्मार्टफोन में आपको मिलने वाली है। बात करें कैमरे की तो इसके बैक में आपको 64MP के साथ क्वाड कैमरे का सेटअप दिया गया है। काफ़ी हाई क्वालिटीज़ के फोटोज़ आप इसके दोनों ही कैमरों से क्लिक कर सकते हैं। बात करें फ्रंट कैमरे की तो इसके फ्रंट में आपको 32MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। भाई इसके बैक कैमरे से आप अल्ट्रा HD 4K वीडियोज़ 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो, जो काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है। बात करें कुछ फीचर्स की तो इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दिया गया है और आप इसमें 2 SIM और एक अलग से माइक्रो SD कार्ड यूज़ कर सकते हो। और इसके एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड को आप 512GB तक एक्सपेंड कर सकते हो, जो मुझे काफ़ी प्लस पॉइंट लगा है इस स्मार्टफोन का। बात करें बैटरी की तो इसमें आपको 6000mAh की दमदार बैटरी मिलती है, जो काफ़ी प्लस पॉइंट है। इस स्मार्टफोन से आप 20 घंटे तक ईजिली गेमिंग कर सकते हो। और इसके बॉक्स में ही आपको 25W का फास्ट चार्जर मिलता है, जहाँ पर आपको रिवर्स चार्जिंग का ऑप्शन भी दिया गया है। इसके अलावा इसमें आपको सैमसंग की तरफ से सैमसंग का एक्जनोस 9611 ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है, जो 10nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और आपको ये प्रोसेसर काफ़ी हाई परफॉर्मेंस देने वाला है, जिससे आप हाई ग्राफिक्स के साथ इजीली गेमिंग कर सकते हैं और आपको लैग की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। भाई बिग बैटरी, बिग डिस्प्ले और दमदार प्रोसेसर ने सैमसंग के इसी स्मार्टफोन को सैमसंग का एक गेमिंग स्मार्टफोन बना दिया है। भाई अंडर 20,000 ये सैमसंग का एक बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन है। बात करें रैम स्टोरेज की तो इसमें आपको 8GB की रैम और 128GB का स्टोरेज मिलता है। इसका प्राइस है 20,499 रुपये। ऑफर के चलते ये स्मार्टफोन आपको अंडर 20,000 में मिल रहा है, जो मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी ज़बरदस्त डील है। और अगर आपको एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन चाहिए जिसमें आपको बड़ी डिस्प्ले, बड़ी बैटरी और अच्छा प्रोसेसर मिले, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन की। हमारी इस लिस्ट में 2nd नंबर पर आता है रियलमी का लेटेस्ट स्मार्टफोन Realme 7 Pro। भाई अंडर 20,000 रियलमी का सबसे पावरफुल स्मार्टफोन है। बात करें फ़ोन के स्पेक्स की, इसमें आपको 6.4 इंच की फ्लैश डी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है पंच होल डिज़ाइन के साथ। और इसकी डिस्प्ले में ही आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है। एक तरह से कहे तो कंप्लीट डिस्प्ले पैकेज इस स्मार्टफोन में आपको दिया गया है। बैक में 64MP के साथ क्वाड कैमरे का सेटअप दिया गया है और फ्रंट में इन डिस्प्ले 32MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। भाई इसके दोनों ही कैमरों की क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है। और अगर आपको एक कैमरा स्मार्टफोन चाहिए रियलमी की तरफ से, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए एक बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन हो सकता है। बात करें कुछ फीचर्स की तो इसमें आप 2 SIM और एक अलग से माइक्रो SD कार्ड को यूज़ कर सकते हो, यानी कि इसमें आपको 3 कार्ड स्लॉट दिए गए हैं। इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, जो पर्सनली मुझे कब सबसे अच्छी बात लगी है इस स्मार्टफोन की। बात करें बैटरी की तो इसमें आपको 4500mAh की दमदार बैटरी मिलती है। और सबसे प्लस पॉइंट यार इसी स्मार्टफोन का, इसके बॉक्स में ही आपको 65W का काफ़ी बड़ा फास्ट चार्जर मिलता है, तो इसी स्मार्टफोन को 34 मिनट के अंदर 100% फुल चार्ज कर देगा। यार एक बड़ा चार्जर गेम लवर के लिए सबसे प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि बड़े चार्जर से बैटरी जल्दी चार्ज हो जाती है। तो अगर आप रियलमी की तरफ से एक बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट डील होने वाला है। बात करें प्रोसेसर की तो इसमें आपको क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 720G का प्रोसेसर दिया गया है, जो 8nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जिससे भाई इसकी परफॉर्मेंस को और भी बेहतर किया गया है। भाई इससे आप किसी भी गेम को हाई ग्राफिक्स के साथ इसी स्मार्टफोन में इजीली खेल सकते हैं। काफ़ी एक्सट्रीम लेवल की परफॉर्मेंस ये स्मार्टफोन आपको देने वाला है। बात करें रैम की तो इसमें आपको 6GB की रैम और 128GB का स्टोरेज मिलता है, जिसका प्राइस है 19,999 रुपये। भाई अगर आप गेमिंग और ऑनलाइन वर्क के लिए रियलमी का कोई स्मार्टफोन चूज़ करना चाहते हैं अंडर 20,000, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। अब बात करते हैं नंबर 1 की। हमारी इस लिस्ट में नंबर 1 पर आता है पोको की तरफ से पोको का लेटेस्ट स्मार्टफोन पोको X3। डिस्प्ले, परफॉर्मेंस और रैम स्टोरेज, ये 3 वजह है जिस वजह से ये स्मार्टफोन रियलमी 7 प्रो को बीट करके नंबर 1 पर आता है।
तो बात करने दें पोको के इस ब्रांड न्यू स्मार्टफोन के स्पेक्स के बारे में कि क्या कुछ इसी स्मार्टफोन में आपको मिलने वाला है। स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले से। इसी स्मार्टफोन में आपको 6.67 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलती है और लगभग 7 इंच के लगभग आपको इसमें डिस्प्ले दी गई है। और सबसे खास बात, इसकी डिस्प्ले में ही आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है और कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है। यार एक तरह से देखा जाए तो कंप्लीट डिस्प्ले पैकेज इसी स्मार्टफोन में पोको की तरफ से आपको दिया गया है। बात करें बैटरी की तो इसमें आपको 5160mAh की बिग बैटरी मिलती है और इसके बॉक्स में आपको 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर दिया गया है। भाई काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आप इसकी बैटरी को यूज़ कर सकते हैं। इसके बैक में आपको 64MP के प्राइमरी कैमरे के साथ क्वाड कैमरे का सेटअप दिया गया है और इसके प्राइमरी कैमरे में सोनी IMX के सेंसर को यूज़ किया गया है जिससे इसकी कैमरा क्वालिटी को और भी धाकड़ बनाया गया है। और इसके फ्रंट में आपको 20MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। भाई इसके दोनों ही कैमरों की क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है और इसके बैक कैमरे से आप एक्सट्रीम लेवल हाई क्वालिटीज के फोटोज़ इजीली क्लिक कर सकते हैं। इसमें आप 2 SIM और 1 GB माइक्रो SD कार्ड यूज़ कर सकते हो, यानी कि इसमें आपको 3 कार्ड स्लॉट दिए गए हैं। फिंगरप्रिंट अनलॉक के लिए इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दिया गया है। बात करें परफॉर्मेंस की तो इसमें आपको क्वालकॉम की तरफ से क्वालकॉम का लेटेस्ट प्रोसेसर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G का प्रोसेसर दिया गया है जो 8nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और भाई पोको X3 पहला स्मार्टफोन है जिसमें आपको क्वालकॉम का ये लेटेस्ट प्रोसेसर मिलने वाला है। इसकी परफॉर्मेंस 720G और 730G से फास्टर है और भाई आप इसी स्मार्टफोन से हाई ग्राफिक्स के साथ प्रो लेवल की गेमिंग इजीली कर सकते हैं। आपको कोई भी लैग की प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप किसी भी वर्क को पूरी स्पीड के साथ इसी स्मार्टफोन में इजीली कर सकेंगे। करें रैम स्टोरेज की तो इसमें आपको 8GB की रैम और 128GB का स्टोरेज दिया गया है। इसका प्राइस है 20,000 रुपये। भाई ये स्मार्टफोन पोको का सबसे पावरफुल स्मार्टफोन अंडर 20,000। तो भाई ये थे टॉप 3 स्मार्टफोन अंडर 20,000। इन तीनों ही स्मार्टफोन से आप ऑनलाइन वर्क से लेकर हाई लेवल की गेमिंग इजीली कर सकते हैं। अब आप अपने बजट और पसंद के अकॉर्डिंग किसी भी स्मार्टफोन को खरीद सकते हैं। दोस्तों मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको एक एक पॉइंट क्लियर करने की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दो लाइक और फटाफट से शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद वंदे मातरम।